हमारी रियासत के हर दिल अजीज इज्जत माब बीजेड जमीर अहमद खान साहब, अल्लाह ने आपके दिल में इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या सिख, सबको भी आपके साथ मोहब्बत करते हुए देखा। जब कभी भी जिस इलाके में भी कर्नाटक के आप जाते हैं तो वहाँ हमारे दलित भाई भी, हिंदू भाई भी, मुसलमान भी आप पे टूट पड़ते हैं और आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। क्या वजह है, किस वजह से लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत है? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जब कभी भी इंसानियत पर कोई आंच आती है तो ये इंसान उठ बैठता है और एक बेचैन हो जाने वाला इंसान है और सबकी फिक्र करके सबकी ज़रूरतों में काम आने वाला इंसान। अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह लंबी उम्र भी दे। ये क्या आपके यौम पैदाइश है? अल्लाह और भी लंबे कामों से आपको हमकिनार फरमाए, यही हमारी दुआएं हैं। चूंकि आपको तालीम के सिलसिले में बड़ी फिक्र रहती है कि हमारी तमाम बच्चियां किसी भी कौम की हो उनको तालीम हासिल हो जाए, और इसी तरह हमारे लड़के भी ये बेकार के नशे में और गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझ कर रहे बगैर, साइकिलिंग में और इस मोटरसाइकिल व्हीलिंग में इसमें उलझे बगैर अपने अपने कामों में रहें, पढ़ें, लिखें, कामयाब हों। इस फिक्र को लेकर मैंने उनको हमेशा देखा है। और ऐसे ही उनकी फिक्र ये होती है कि जब उनको मिनिस्ट्री मिली हाउसिंग की, उस वक्त उन्होंने मुझे दुआ के लिए बुलाया था तो उन्होंने कहा था, मौलाना मेरी फिक्र ये है कि जितने भी गरीब हैं उनके सर पर एक छत मिल जाए, इसलिए कि अगर छत मिल जाती है तो उनको एक सुकून हो जाता है। इस वजह से मैंने गुजारिश करके सीएम साहब से ये ओहदा लिया है तो मुझे अल्लाह ने आज ये खिदमत करने का मौका दिया है। जितना हो सके मैं इंशाअल्लाह लोगों के काम आने की कोशिश करूंगा। मैं देख रहा हूं जब कभी भी जहां कहीं भी जिस वक्त में भी आपकी ज़रूरत पेश आई है वो पेश रहते हैं और सबका दिल जीतने में माशाअल्लाह कामयाब हैं। मेरी दुआ है कि जैसे हमारे इज़्ज़त माब सिद्दरामैया साहब ने आप पर जो एतिमाद करके जो मिनिस्ट्री का इतना बड़ा वजन ओहदा आपके सुपुर्द किया है उसे बहुत बेहतर अंदाज में अंजाम देकर सिद्दरामैया का एतिमाद और बढ़ा देंगे। और इंशाअल्लाह सब लोगों की दुआएं, हमारी माओं की, बहनों की, बेटियों की, हमारे दोस्त अहबाब की, सबकी दुआएं इंशाअल्लाह आपके हक में होगी और हमारे अकाबिरीन उलमा की दुआएं भी आपके हक में होगी कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हिम्मत दे, कुव्वत दे, ताकत दे और जोश के साथ हमारे मुल्क की तरक्की की तरफ आगे बढ़ते जाएँ और काम करते जाएँ। अल्लाह इसकी उनको तौफीक अता फरमाए।